हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि दीदी, आप इस लास्ट टाइम पर जब 1 महीना ही रह गया हो अपने एग्ज़ाम को, तब आप क्या करती थी, कैसे पढ़ाई करती थी, कैसे मॉक टेस्ट देती थी, कैसे रिवीजन वगैरह करती थी। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। और पहली बात तो ये बोलना चाहूँगी कि अपना एग्ज़ाम हमें पता नहीं है कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई है। लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल टाइम पर ही है। अभी हमें अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग ही रखनी है। लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब येट। पिछले साल मैं प्रिपरेशन कर रही थी जैम की, तो हमारा क्या होता था ना, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता था एक, जिसपे हम सब लोग, जहाँ से हमको मॉक टेस्ट मिलते थे वो हम लोग शेयर करते रहते थे एक दूसरे को। तो जब सारे लोग मॉक टेस्ट शेयर करते थे, तो हमारे पास पीडीएफ के फॉर्म में बहुत सारे मॉक टेस्ट इकट्ठे हो जाते थे। तो मैंने क्या किया था कि दिसंबर के एंड से ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं अल्टरनेटिव डेज पर मॉक टेस्ट दूंगी। तो मैं क्या करती थी, एक दिन तो मैं मॉक टेस्ट देती थी और उसका एनालिसिस करती थी, और दूसरे दिन मैं रखती थी प्रैक्टिस के लिए और उसका रिवीजन करने के लिए। तो पहले दिन तो मैं क्या करती थी, मॉक टेस्ट देती थी और उसका अच्छे से एनालिसिस करती थी। एनालिसिस मतलब कि जो मुझे थ्योरी में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं, मैं उनको नोट डाउन करती थी, और जो मेरी मिस्टेक्स हो रही होती थी उस टाइम पर, जैसे कि क्वेश्चंस गलत पढ़ लेती थी, या फिर मैं MCQs में जल्दबाजी में आंसर दे रही हूँ, या फिर मैं NET में कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, तो वो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती थी वो उनको मैं नोट डाउन कर लेती थी। और जो नेक्स्ट डे मैं रखती थी, जो उसके लिए रखती थी कि जो मेरी वीक पॉइंट्स हैं, जो थ्योरी में मैं जहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसको रिवाइज करती थी, उन वीक पॉइंट्स को, पर्टिकुलर जो वीक पॉइंट्स होते थे, मैं उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करती थी, जिससे कि अगली बार उनको मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँ। और जो मिस्टेक्स मैंने कर रखी हैं, मैं उनका ध्यान रखती थी कि कल जब मैं मॉक टेस्ट दूंगी तब ये मिस्टेक्स मुझसे नहीं होनी चाहिए, और ये जो वीक पॉइंट्स हैं इनको मुझे अच्छे से क्लियर करना है। तो इससे क्या होता है ना कि जो तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पे तुम वर्क कर पा रहे हो, रैदर देन कि तुम सब कुछ इकट्ठा लेकर बैठ गए हो, ना तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है, और जहाँ तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम वहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और बहुत से लोगों की यही मिस्टेक्स होती है कि वो लोग जब रिवीजन करने बैठते हैं तो सारा का सारा वो रिवाइज करने के लिए बैठ जाते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है ना कि तुम एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम पे वर्क नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उन टॉपिक्स को पढ़ने में जो तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। जब आप लोग जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, तब वहाँ पर आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा जो कि वो लोग खुद ही प्रोवाइड करते हैं, जो प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट होता है। मतलब कि अगर आप अभी देने जाएंगे तो वो 2021 वाला जैम होगा। तो वो इसलिए दिया होता है कि क्योंकि जो इंटरफेस होता है, जो आपको फाइनली वहाँ पर दिखेगा जाके, वो उसी इंटरफेस में दिया होता है, जिससे कि आप उसको देखकर अच्छे से उसके साथ फैमिलियर हो सके। उसमें कहाँ से बैक करते हैं, कहाँ से सेव करते हैं, कहाँ से कौन सा सेक्शन निकाल सकते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स होती हैं, कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करते हैं, वो सब कुछ आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक उसको जाकर नहीं देखा है तो अभी जाकर उसको अच्छे से देखो और अच्छे से ठीक से उसको एनालाइज करो कि कहाँ से वो वर्क करता है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम जैम दिया था, तब मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये इंटरफेस में कैसे वर्क करता है, और मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं बैक कहाँ से करूँ और कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था। और सेकंड थिंग कि बहुत सारे लोगों को अभी कैलकुलेटर
यूज करना भी नहीं आता होगा जैम गेट का, जो उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं होगा। तो वो जो गेट कैलकुलेटर होता है वो नॉर्मल कैलकुलेटर से बहुत अलग होता है, उसको यूज करने का तरीका नॉर्मल कैलकुलेटर से तो बहुत ज़्यादा अलग होता है। और जब मैंने यूज़ किया था उसको फर्स्ट टाइम, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इवन उसमें ऐड भी कैसे करूँ, मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना भी नहीं आ रहा था, ऐड करना भी नहीं आ रहा था। तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारा मेरा टाइम वेस्ट हो गया था। इस वजह से अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है ना, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो अभी से बहुत अच्छे से। तो अभी स्टडी का तो ये है कि अभी कोई भी एडिशनल टॉपिक मत उठाओ, जो तुम पढ़ चुके हो बस उसको ही रिवाइज करो, और उसमें ही अच्छे से जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। डू दीज थ्री थिंग्स ओनली, मॉक टेस्ट, एनालिसिस एंड रिवाइज। और जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं मॉक टेस्ट में जो तुम नहीं कर पाए मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद, उसका एनालिसिस के बाद, उन क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करो, खुद सॉल्व करो। अगर तुम नहीं कर पाते हो उसके बाद भी सॉल्व, तो अपने दोस्तों से पूछ लो, या फिर टीचर से पूछ लो, या किसी और से भी पूछ लो, पर उनके सॉल्यूशंस तुम्हारे पास होने चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए उनको कैसे सॉल्व करना है, कि अगली बार अगर उसी टाइप में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उनको, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो मॉक टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। पर मैंने क्या किया था, मैंने पर्सनली कोई टेस्ट सीरीज बाय नहीं की थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया था मुझे पीडीएफ के फॉर्म में बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल गए थे, और साथ में मेरे अनअकैडमी पे भी बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हुए थे जो मैं लाइव दे सकती थी तभी। और मैं सजेस्ट करूँगी कि जितने ज़्यादा डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के आप सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट, उतना ज़्यादा बेटर होगा, जहाँ आपको वैरायटी ऑफ मॉक टेस्ट मिलेगा। क्योंकि एक इंस्टीट्यूट का क्या होता है ना, कि एक टाइप के क्वेश्चन ही वो बार बार रिपीट करते हैं मॉक टेस्ट में, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा ये है कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं मॉक टेस्ट में। एक तरीका आप ये भी अपना सकते हो कि आप अकेले मत टेस्ट सीरीज बाय करो, आप दोस्तों के साथ टेस्ट सीरीज बाय करो, कि एक ने डिसाइड किया कि हाँ तुम ये कर लो, ये वाली बाय कर लो, और वो ये वाली बाय कर लेगा, फिर आपस में जब तुम सॉल्व कर लो उन टेस्ट को, फिर आपस में शेयर कर सकते हो उन्हीं टेस्ट को। इससे क्या होगा कि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे पाएंगे सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज को बाय करके। तो अब जाओ, जो बोला है वो करो, और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वो सब तो कर ही दोगे तुम लोग, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।